जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है, कितनी सदियां बुलाती है जिसको चाहे सिर्फ तुझको, कितने टुकड़ों में बट कर पड़ी है फिर भी कदमों पे खड़ी है, और कैसी दुख की घड़ी है। वक्त नहीं हमारे पास, अगर सिमरिया लिखी हुई ना और मैं जेल चला गया, वो मेरामली की ये ऑफर भी गायब हो जाएगी। अरे आओ 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 आओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ अंदर। अरे कब से तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सब ठीक कह रहे हैं, तुम्हें और तुम्हारी बहन को, इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली को बहराम अली शाह साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए। जामा मैं जा रही हूं। अरे कहां चल दी, कल रात भी तू आकर कमरे में पड़ गई, जाकर बंद हो गई, और अभी भी मुंह उठा के जा रही है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। आज ऑफिस जल्दी जाना था इसलिए। वो मान लिया जल्दी जाना था, मगर कोई घर वाला भी है, किसी से सलाम दुआ करता है इंसान, कोई बात करता है। मैंने सलाम किया तो था, मैं दोबारा कर देती। सलाम अलैकुम। अच्छा मैं जा रही। देखा नहीं इसके नखरे? खुदा जाने अपने आप को क्या समझने लग गई है। भाई को हवालात से क्या छुड़ा के लेकर आई है? समझती कि भाई पे भी इसका हुक्म चलेगा? हाँ अजीब सा रवैया हो गया इसका, पता नहीं क्यों। तू मान ना मान, ऐसी ही बात है, मुझे तो अपनी शादी की फिक्र पड़ गई है। जब भी मेरी शादी की बात होने लगती है ना, घर में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और अब ईमान के नखरे देखने वाले। तौबा है, तुझे तो बस अपनी पड़ी रहती है कि मेरी शादी हो जाए, बाकी सब जाए भाड़ में। तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? हाँ ऐसी बात नहीं है, इससे पहले क्या ऐसा हुआ है कभी? आज देखा नहीं तूने कैसे घर से निकल के चली गई है? अच्छा करती हूँ बात, आती है रात को तो बात करती हूँ उससे, क्या तकलीफ है इसे। चल नाश्ता कर। हेमंत, हेमंत आ गई जी। खाना दूं?
नहीं भूख नहीं है। मेरी बात सुन, मैं देख रही हूँ जब से तू राहिल को छुड़वा के लाई है तेरे नखरे बहुत हो गए हैं। क्या बात है? थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। कोई आसमान से तारे नहीं तोड़ के लाई तू? कोई एहसान नहीं किया तूने, ये समझ ले तू। एहसान कैसा? जानती हूँ मैं कुछ तोड़ के नहीं लाई। अलबत्ता मेरे अंदर बहुत कुछ टूट फूट गया है। क्या बोली, क्या कहा तूने? कुछ नहीं, थक गई हूँ मैं, बस सोने जा रही। ये लड़की तो पागल हो गई बिल्कुल, इसको लगता है दिमाग चल गया। बात ना करके आऊँ इससे जरा? हाँ खुशी तो मुझे बहुत है, बात से पक्की हो गई मेरी। तू लेट, मैं जरा इसके पूछ के आऊँ, पागल जैसी। मैं दो रोज से देख रही हूँ तेरे तेवर कुछ ठीक नहीं है, क्या हो गया तुझे? मैं समझ नहीं पा रही क्या हुआ है मुझे। अम्मा क्या होना है मुझे? इधर देख मेरी तरफ, किसे बेवकूफ बना रही है? अम्मा मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रही। देख तो सही अम्मा, कैसे बात करी है तुझसे? तुझे मैंने पहले ही बताया था, अब इसके नखरे देखने वाले हैं, पहले जैसी नहीं रही है। तू चुप कर, मैं कर रही हूं ना बात, बात बोल बीच में। वो लड़के वाले आए थे आज, बात तकरीबन पक्की कर दी है मैंने। अख्तर है लड़के का नाम। देखे मैं, मेरे साथ एक बार हाथ हो चुका है, अब मैं दोबारा घर बसाना चाहती हूं। मेरी बात पक्की होने जा रही है, किसी किस्म की कोई गड़बड़ मत करी। हाँ मैं क्यों गड़बड़ करूंगी? ये जो तेरे रवैये में रूखा बना आया ना, इसे देख के मुझे यही लगता है। मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। खुदा के लिए आप ही, ऐसा कुछ नहीं है। तू क्यों बोल रही बीच में? कहा ना चुप कर, मैं बात कर रही हूँ, क्यों बोले जा रही बीच में? जा अपने कमरे में। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। अगर इसकी तरह पढ़ी लिखी होती ना तो कहीं बाहर जाके नौकरी करती, तुम्हें भी पाल लेती और खुद को भी। आप ही क्यों बात को गोलमोल घुमा रही हो? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा और ना ही कहा। तुम ऐसा सोचती तो बिल्कुल भी नहीं हो, और बाकी जो तुम सोचती हो ना वो अल्लाह ही जानता है। प्लीज आपी, मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। बकवास बंद कर, मेरी जान छोड़, निकल यहाँ से। चली जाती हूँ मैं, लेकिन एक बात बता रही हूँ मैं, कैसे इसीलिए तकलीफ हो रही क्योंकि मेरा रिश्ता तय होने जा रहा है। मुझे क्यों होगी तकलीफ? जा जान छोड़, निकल यहाँ से, चल चल जा। फिर क्या कहती है? हाँ बोल दो ना। जी अम्मा आप हाँ बोल दें, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा पैसों का अरेंज नहीं हो सकता। हाँ लेकिन कुछ तो और करने पड़ेंगे। कोशिश कर रही हूँ अम्मा एक और नौकरी की, अगर मिल गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए मन, सारा बोझ तो तेरे कंधों पे ही है, जैसे भी कर तुझे ही करना है सब कुछ। जी अम्मा एहसास है मुझे। अच्छा अगर
खाना नहीं खाना तो आराम कर ले, सो जा। एमन, क्या बात है, तू ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ छुपा रही है। तो तुझे खुश होना चाहिए। चलो पहले तो परेशानी थी, राहिल जेल में था, उसको फांसी होने वाली थी, नैना का मसला था, तो सब हल हो गया है, राहिल भी घर आ गया। मैं और नैना जैसे खुश है तुझे भी होना चाहिए, लेकिन तो मैंने क्यों उलझी उलझी सी है, उदास है, मुझे तो वाकई में समझ में नहीं आ रहा। खुश हूं मैं, भला क्यों नहीं खुश हूं? मेरा भाई जेल से वापस आया, मौत के मुंह से बच गया। मैं तो तेरी आंखों में कुछ और ही देख रही हूँ, तेरी आंखों में कोई चमक नहीं। देखिए मन, इस घर का सारा बोझ तुझ पे है, तुझे को सब कुछ करना है। अभी तो राहिल की शादी करनी है, नैना का घर बसाना है, और फिर मेरा बुढ़ापा, उसका कौन ख्याल रखेगा? ना जाने कितनी बीमारियां मुझे चिमटने वाली हैं। देख, तूने अगर अपना फर्ज ना निभाया तो फिर यह खानदान तूफान में तिनके की तरह बह जाएगा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बेटा कुछ नहीं होगा अम्मा, किसी को नहीं बहने दूंगी मैं, किसी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे तुझसे यही उम्मीद है, यही उम्मीद थी मुझे। किसी को बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। रही बात मेरी, तो कब की बर्बाद हो गई अम्मा, तबाह हो गई आपकी। तूफान में तिनके की तरह बह गई, किसी को बचा नहीं सके, बर्बाद हो गई अम्मा। तेरी खातिर दिल जख्माया दिल, हाय दिल। शाहिद साहब, लास्ट वन, Good. Chitra, thank you so much. I'm done. Thank you, yaar. Jazzy. जी सर। Where is Rania? सर वो उसे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और एमन भी कोशिश कर रही है, सर वो कॉल पिक नहीं कर रही। क्या मतलब कॉल नहीं उठा रही? ये लड़की 20-20 घंटे मेरे ऑफिस के बाहर आके बैठी रहती थी, गेट कीपर इसे गेट के अंदर आने नहीं देता था, और आज ये मेरे ऑफिस से गया हुआ फोन नहीं उठा रही। जी सर, और इसके अलावा मैंने मैसेजेस भी छोड़े। डैम इट, कल कंप्लेन देनी है, टाइम शॉर्ट है, क्लाइंट का फोन पे फोन आ रहा है। देयर इज रानिया। सर मैं एक बार उसे फिर कॉल करता हूँ। एक मिनट, फोन दो मेरा इमरान। सर मैं अपने फोन से करता हूँ। जैसी जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कॉल
मैं सर अभी करता हूँ। मेरे सामने खड़े होके करो कॉलर। जी सर। मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या करती है। क्या हुआ सर? वो इनफैक्ट क्या बोलो सर, रानिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। What? How dare she? रानिया ने मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मेरा रानिया, तुमने यावर का फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। Back up! अम्मा, उन्हें कह दो कि हम अख्तर से मंगनी के लिए तैयार हैं। Hey, you. You are my body. जिसकी आंखों में सावन छड़ी है, जिसकी आंखों में सावन छड़ी है। क्या हुआ? नहीं उठाया फोन रानिया ने? सर, आपने जब से कहा है मैं तब से उन्हें फोन मिला रही हूँ। ठीक ही कहते हैं यावर साहब, जैसे किसी मॉडल का पहला शूट हो ना, उसके पास जिंदगी भर उसका एतबार नहीं करना चाहिए, बंदा मुंह के बल गिरता है। रानिया, कहां रह गई थी तुम? काश ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि मैं बता नहीं सकती। रानिया, पूरा ऑफिस तुम्हें 2 घंटे से कॉल कर रहा है, तुम फोन तो रिस्पॉन्ड कर सकती थी। कमॉन जाजी, तुमने तो मेरी प्रोसिक्यूशन शुरू कर दी। तुम्हें अंदाजा भी है यावर साहब का मूड कितना खराब है? डोंट वरी, आई विल हैंडल हिम। ए यू, मेरा बैग गाड़ी में रह गया, प्लीज जरा ले आओ। तुम समझती क्या हो अपने आप? कौन हो तुम? यावर, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। ये जो अंग्रेजी के 4 लफ्ज तुमने बोले हैं ना, ये भी मैंने सिखाए हैं तुम्हें। मैं कह रही हूँ यावर, दिस इज टू मच। नो नो मिस रानिया, दिस इज नॉट टू मच। टू मच तो वो है जो तुमने मेरे साथ किया है। आई एम योर गॉड फादर, मैंने बनाया है तुम्हें, वरना तुम्हारी औकात क्या थी? रिक्शा तो रिक्शा, वैगन तक का किराया नहीं था तुम्हारे पास। मैं कह रही हूँ यावर, स्टॉप इट नाउ। वालेकुम सलाम। तो बहन, बात पक्की हुई ना? जी जी बिल्कुल जी, मेरी तरफ से तो पक्की है। जब बेटी आपकी हो गई तो और क्या कह सकती हूँ मैं। तो फिर ठीक है, अख्तर ने तो कहा कि जैसे आप लोग पक्की पक्की हाँ कर लें, इसी हफ्ते मंगनी की छोटी सी रस्म रख लेंगे। हाँ, लेकिन फौरी मंगनी की क्या जरूरत है? फौरी मंगनी में क्या हर्ज है? असल में अख्तर और उसकी खाला चाहती हैं कि उनका घर जल्दी से आबाद हो जाए। पर बताया तो है कितनी जिम्मेदारियां हैं वहाँ पे। हाँ बहन, अगर बात पक्की हो गई है तो मंगनी के मामले में इनकार क्यों? नहीं नहीं, मैं इनकार नहीं कर रही, वो मैं ये कह रही थी कि अम्मा, अम्मा जरा मेरी बात सुने। आई आ रही हूँ। चलिए। हाँ, क्या बात है? अम्मा, तुम भी ना हद करती हो। हर किसी के माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटियां जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए, और तुम हो कि उनके साथ बहस किए जा रही थी। अरे मैंने कब बहस की उनसे? चुप करके क्यों बैठी हुई थी? कहती क्यों नहीं थी उन्हें क्या मंगनी के लिए तैयार है? अरे मंगनी पे बहुत पैसा लगता है, कहां से लाएंगे? अम्मा, उन्हें कह दो कि हम अख्तर से मंगनी के लिए तैयार हैं। देख लेना मेरी। अम्मा, अगर वो बाहर जाके कमा के ला रही है ना, तो घर के मामला मैं भी देख लूं, जो पैसा वो लेकर आ रही है उसमें मेरा भी हक है। अच्छा अच्छा, इस्तांबुल मैं करती हूँ बात। अच्छा देख ले, इस हफ्ते से अगले हफ्ते पे बात ना जाए मंगनी की। मैं बात करती हूँ, बिल्कुल परेशान आती हूँ, आ गई। वो आप लोगों के लिए कुछ बना रही थी,
तो कहने लगी कि जरा नमक मिर्च देख ले मीट। सुगड़ बेटियां है ना, सुगड़ बेटियां ऐसी ही होती हैं, है ना? हाँ तो बहन, आपने मंगनी का बताया नहीं। अरे मैं क्या कहूँगी, मैं तो बेटियों वाली हूँ, जो लड़के वालों की खुशी होगी वही करूँगी ना, जैसे आपको मुनासिब लगे। मुबारक हो। मुबारक। आपको भी मुबारक। तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरे बगैर करो ये शूट, मैं नहीं करूंगी। भाड़ में गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, जो करना है कर लो मेरे साथ। अगर तुम चाहो तब मैं तुम्हारे साथ ये शूट नहीं करूंगा, इब्रत बना दूंगा मैं तुम्हें, इब्रत इंडस्ट्री में। मैं तो क्या कोई भी फोटोग्राफर तुम्हें शूट नहीं करेगा। माय फुट। नो, नॉट योर्स, माय फुट। तुम्हारी औकात इससे ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन माय फुट। तो ठीक है, मेरे बगैर करो ये शूट, तुम्हारा नुकसान लाखों में होगा। In fact, I'll be happy कि तुम्हारा नुकसान करोड़ों में हो। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सारी शान और शौकत मेरी वजह से है। Because of me, damn it! Hey! Hey! तुम जैसी हजारों लड़कियां मेरी जिंदगी में आई और चली गई, तुम जैसी सैकड़ों को मैंने बनाया और भूल गया, और तुम कह रही हो मेरी शान शौकत तुम्हारी वजह से। सानिया, मैं जिसे चाहूं उसे तुमसे बड़ा सुपर मॉडल बना सकता। इस ऑफिस में जितनी लड़कियां खड़ी हैं, किसी में भी हाथ रखूंगा तुमसे 10 गुना बड़ी सुपर मॉडल बना सकता हूं मैं। इन्हें सुपर मॉडल तो क्या, तुम मॉडल तक नहीं बना सकते। ठीक है, कान खोल कर मेरी बात सुन लो और देखती जाओ। इसी ऑफिस में से किसी भी लड़की को सिलेक्ट करूंगा और ये कैंपेन उसी के साथ डिजाइन करूंगा और उसे तुमसे ज्यादा ऊपर पहुंचाऊंगा। और याद रखना, ना सिर्फ ऊपर पहुंचाऊंगा बल्कि हर वो प्रोजेक्ट जो तुम्हें मिलना था अब तुम्हें नहीं मिलेगा, तुमसे छीन लूंगा मैं। हर उस लड़की को मिलेगा और तुम्हें बताऊंगा कि इस इंडस्ट्री में पावर मेरी है, मेरी, तुम्हारी नहीं। Hey, you are my model. मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमसे। सर मैं? हाँ तुम, कम ऑन, कम है। इस चेहरे को गौर से देख लो रानिया, क्योंकि ये चेहरा आज के बाद तुम कभी भूल नहीं पाओगी, ना ये चेहरा और ना ये दिन। You may go now. वो है दरवाजा, गो। जेजी, 20 मिनट में इस लड़की का मेकअप करवाओ, मुझे 20 मिनट के बाद इस लड़की को शूट करना है। सर मैं? राइट आफ्टर 20 मिनट्स जेजी। यस सर। नाउ यू आर माय मॉडल एमन, यू। जबार वाले मामले से पहले तेरे डब्बू के बड़े बड़े टूर्नामेंट है। हाँ, कहते रहे हैं आजकल। तो क्यों नहीं जा रहा खेलने? बस दिल नहीं कर रहा। अरे तुझे क्या हो गया राहिल बेटा, परेशानी तो आनी जानी चीज़ है, और तेरे जैसा मर्द बेटा तो किसी किसी माँ को नसीब होता है। तो सब ठीक है मैं, पर क्या करूँ,
डिलीवरी चार्ज? अरे वही तो कह रही हूँ, ये देख, ये मैंने तेरे लिए पैसे छुपा के रखे हैं इन जुड़ेलों से, ये ले मेरा बच्चा, बच्चा। पैसे तो रख लेता हूँ मैं, पर आज जाऊंगा नहीं मैं। यही तो पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं जाएगा, जा के खेल, शौक पूरे कर अपने, जी अपनी जिंदगी। अम्मा जब मैं डब्बू खेलने जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे सारे लड़के जो डब्बू खेल रहे होते ना मुझे देख रहे हैं और बड़े गौर से देख रहे हैं, और मैं इनको देख नहीं पाता हूँ। अरे क्या हो गया तुझे, किसी बहकी बातें कर रहा है, क्यों देखेंगे तुझे लोग, तूने कोई गुनाह कोई जुर्म थोड़ी किया है, कुछ बार का खून थोड़ी किया तूने, और मेरे बेटे जैसा खूबसूरत जवान और गैरतमंद इस मोहल्ले में क्या पूरे शहर में नहीं मिलने वाला। क्या देख रहे हैं मुझे फटी फटी आंखों से? कुछ नहीं बस, कुछ भी तो नहीं। अम्मा मैंने कुछ गलत कहा है? कोई है तेरे जैसा? ठीक कहती है तुम, मेरे जैसे तो कोई भी नहीं होगा। अच्छा चल उठ जा, चल खेल गया। और एक बात बताऊं, मैं ऐसी तुझे कहती रहती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तू जीत के आता था, तेरा चेहरा देख के, तेरी खुशी देखकर, वो खुशी मिलती थी जो मुझे किसी ड्रामे से नहीं मिलती। चला जाऊंगा मैं। चला जाऊंगा नहीं, अभी जा, चल उठ, उठ जा और जीत के आना, और उसी तरह मुझे बताना कि अम्मा मैं जीत के आया हूँ। चल उठ, उठ जा, उठ जा, उठ जा, चल ना जल्दी कर। अच्छा अम्मा तो जीती मैं हारा, अरे क्या करें अम्मा, जाता हूँ। चल जा। यावर साहब ये क्या कह रहे हैं? सर मैं नहीं कर सकूंगी। इस वक्त यावर साहब का मीटर इतना घूमा हुआ है अमन कि अगर तुमने इनकार किया ना तो खड़े खड़े निकाल देंगे तुम्हें। लेकिन जैसी सर जिस जॉब के लिए मुझे अपॉइंट किया गया था मैं वो कर रही हूँ, मॉडलिंग नहीं कर सकूंगी मैं। तुम जानती हो अमन इस नौकरी की तुम्हें कितनी जरूरत थी, एंड आई एम टेलिंग यू कि अगर इस वक्त तुमने इनकार किया ना तो तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारोगी। मगर सर मैं जानता हूँ ना यावर साहब को, एक सेकंड के लिए तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे इस इनकार के बाद। लेकिन जेजी, वेयर आर यू जेजी? मैं आ गया सर। थिंक ऑफ इट अमन, इनकार करके तुम इस नौकरी को सिर्फ लात नहीं मारोगी बल्कि उस फ्यूचर को भी लात मारोगी जो यावर साहब की सूरत में तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आर यू डेड जेजी? मैं आ गया सर। एक दफा फिर सोच लो अमन। हेलो एमन, ये अम्मा से बात कर। हेलो, हाँ एमन जी। अम्मा वो ना मैंने नैना की बात पक्की कर दी है, अब वो लोग कह रहे हैं कि जुम्मे को मंगनी रख ले। हाँ तो तू कुछ पैसों वैसों का बंदोबस्त कर ले। मंगनी? हाँ हाँ, मैंने कहा तुझे वक्त पे बता दूँ ना। इतने टुकड़ों में बट कर पड़ी है फिर भी कदमों पे खड़ी है, कैसी दुख की घड़ी है। तुम बोलो एमन, तुमने मेरी मॉडल बनना या नहीं? सर वो से यस और नो है। जिसकी आंखों में सावन छड़ी है, जिसकी आंखों में सावन छड़ी है। क्या कहा अम्मा? अरे बहुत खुश हो रही थी। पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा सब, तू फिक्र ना कर।
पता नहीं अम्मा, मुझे एमन के तेवर बदले बदले से लगते, पहले जैसी नहीं रह गया ये। कहीं ऐसा ना हो कि ऐन मौके पे कह दे कि पैसों का तो बंदोबस्त ही नहीं हुआ, मंगनी को आगे बढ़ा दो। अम्मा मैं बता रही हूँ, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत बर्बाद हो चुकी है, मैं मजीद बर्बाद नहीं होने दूंगी। अरे मुंह से अच्छी बात निकाला कर, बेखैरत। कहा ना सब हो जाएगा, अब तक सब कुछ ठीक हो रहा है ना, तो इंशाल्लाह आगे भी ठीक होगा, क्यों फिक्र करती है, चल जा पानी पिला मुझे। अच्छा जूम में हर वक्त चक चक बक बक लगाए रखती। क्या समझती हो तुम अपने आप को? सर क्या हुआ? लेट मी टॉक, डोंट इंटरप्ट मी। तुम बोलो एमन, तुमने मेरी मॉडल बनना या नहीं? सर वो से यस और नो एमन। हाँ सर, लेकिन वो हाँ या ना? लास्ट टाइम पूछ रहा हूं मैं तुमसे, हाँ या ना? जोर जबरदस्ती अच्छी बात नहीं होती, तुम जो चाहोगी। वो हो जाएगा। मैंने नैना की बात पक्की कर दी है, अब वो लोग कह रहे हैं कि जुम्मे को मंगनी रख ले। हाँ तो तू कुछ पैसों वैसों का बंदोबस्त कर ले। राहिल बेटा क्या बात है, तू अब हंसता बोलता नहीं है, जब से तू जेल से वापस आया ढंग से कोई बात ही नहीं की। कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। ए मैं नहीं आई, तूने फोन करना था किया नहीं तूने? अम्मा सुबह बात हुई थी तो कह रही थी कि मैं शाम 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी, तो रात होने को आई है। अरे अब तो 8:30 हो रहे हैं, बहुत देर हो गई, आ जाना चाहिए था। राहिल बेटा तू जरा फोन कर उसको, पता कर। हाँ भाई फोन करो उसे और डांट भी देना, जब से जेल से आए उसके तो तेवर ही बदलते जा रहे, ना किसी को बताती है कि कहाँ आ रही है कहाँ जा रही है। क्यों अम्मा ठीक कह रही हो ना मैं? हाँ लेकिन वो बेटा देख ज्यादा सख्ती ना करना, हो सकता है सचमुच वो काम की वजह से ही लेट हुई हो, लेकिन उसे बताना चाहिए था कम से कम हमें, ताकि हम घर वाले परेशान तो ना हो ना। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्या हुआ फोन नहीं उठाया? फोन बंद आ रहा है उसका। अरे 10 मिनट पहले मैंने किया तो बेल जा रही थी। हो सकता है उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो, तो बच्ची थोड़ी है, आ जाएगी वो। भाई को पता चल गया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, ये क्या कर बैठी हूं मैं? मुझे किसी सूरत यावर साहब की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। या अल्लाह ये ठीक नहीं किया मैंने, कद को तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर क्या होगा?
अभी तो नौकरी ही जानी थी, कल को कहीं जानी ना देनी पड़ जाए। या मेरे अल्लाह। सर आ गई तस्वीरें। जी सर। कैसी हैं? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये तस्वीरें जब मैगजीन में आएंगी तो पागल हो जाएगी दुनिया। सर का इस लड़की को इसके घर वालों ने ना रोका तो दुनिया की कोई ताकत इसे सुपर मॉडल बनने से रोक नहीं सकती। रानिया तू तो गई। रानिया बैकअप। वालेकुम सलाम। एमन एमन आ गई? हाँ आ गई है, कमरे में गई है अपने। आपने डांटा नहीं, पूछा नहीं, कुछ भी नहीं कहा आपने? हाँ वो उसको भूलने ही जा रहा था कि वो देखो। पता नहीं भाई आपको क्या हो गया है, आपने और अम्मा ने क्यों उसे इतनी छूट दे दी? पूछती क्यों नहीं है कहाँ थी वो? आज 10 बजे आई है, कल 12 बजे आएगी। पूछा क्यों नहीं कि उसका फोन क्यों बंद था? देर से ही आना था तो कम से कम फोन तो करके बता देती ना कि मैं देर से आऊंगी। जब से आए ना आप हवालात से पता नहीं क्या हो गया। अभी पूछता हूँ जाके उससे। बचाने की कोशिश कर रही हूं मैं, बाद में पैसे नहीं होंगे आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये मंगनी सही तरह से नहीं हुई। दो दो बसें बदल के आना पड़ता है, नौकरी करना आसान नहीं है, पैसे कमाना आसान नहीं है। मैंने एक फैसला किया है एमन, चाहे मेरा कितना नुकसान क्यों ना हो जाए, आज की रात है तुम्हारे पास, सोच समझ कर मुझे अपना फैसला बताना है।
और इसके बावजूद अगर कल तुमने इनकार कर दिया तो ये कैंपेन मैं यहीं पे रोक दूंगा। ओहो, तुम ये सब छोड़ो, और यहाँ मेरे चेहरे पे नहीं, सरप्राइज तुम्हारे टेबल पे है, ये देखो। जिसकी आँखों